तो आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और आज मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई। कल पहला दिन कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ, भक्तों के 9 दिन का उपवास कल शुरू हुआ और अब आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। आज शक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आज की जाएगी और उसको देखते हुए आप देख पाएंगे मंदिरों में सजावट की गई है, मंदिरों को सजाया गया है, माता रानी को सजाया गया है, उनका विशेष श्रृंगार इस दौरान किया जाता है। और ऐसे में आज जब दूसरा दिन है तो सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। आने वाले 9 दिन तक कुछ ऐसी ही धूम तमाम मंदिरों में, कुछ ऐसे ही उत्साह के रंग तमाम मंदिरों में, भक्ति के रंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि 9 दिन में माना जाता है कि माता की पूजा करने से माता सभी कष्टों को हर लेती हैं, सभी मनोकामनाओं को माता पूरा करती हैं। सच्चे मन से अगर जो भी माता की पूजा आराधना करता है या उनसे सच्चे मन से जो भी मांगता है तो माता उनके भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रखती, सारे कष्टों को हरने वाली है माता। और ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो माता की पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। मंदिरों की तस्वीरें देखिए, 3 अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आप यहाँ पर भक्ति के रंग देख पाएंगे, क्योंकि आज जब दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आज की जा रही है और ऐसे में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं माता के दर्शन करने के लिए। और आने वाले 9 दिन तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें माता रानी के भजन से, माता रानी के जय घोष से गूंजते हुए नजर आएंगे और कन्या पूजन के साथ 9वें दिन माता रानी की इस उपासना का समापन हो जाएगा। तो 9 दिन की खास उपासना का ये पर्व है, माता रानी के शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा इन 9 दिन की जाएगी। माँ शैलपुत्री की कल पूजा अर्चना की गई, कल पहला दिन था, पहले दिन माँ शैलपुत्री और दूसरे दिन आज माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो अलग अलग 9 दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों को पूजा जाएगा और ऐसे में आज जो भक्त हैं वो माता की पूजा कर रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र जो हैं उनको आज पढ़ा जाएगा, माता को प्रसन्न करने के जो उपाय हैं वो आज किए जाएंगे, माता को जो भोग प्रिय है, माता को जो रंग प्रिय है वो अर्पित किया जाएगा।